आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। एक बार फिर जिला कांग्रेस सीहोर के समस्त ब्लॉकवार स्थानीय क्षेत्रों में कांग्रेस आगामी 23 सितंबर को भाजपा की केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और वादा खिलाफी सहित जनहितैषी व किसानों के प्रमुख मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसके अंतर्गत आष्टा विधानसभा क्षेत्र की एक आवश्यक बैठक नगर के पुराने बस स्टैंड स्थित जैन धर्मशाला में गत दिवस पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा के मुख आतिथ्य में तथा सीहोर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बलबीर तोमर के विशेष आतिथ्य में स्थानीय वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों सदस्यों द्वारा आयोजित की गई, जिसमें आगामी नगरीय निकाय चुनाव के अध्यक्ष व पार्षदों के दावेदारों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ पदाधिकारियों सदस्यों को आमंत्रित कर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के संबंध में आचार विचार रखे गए। फैजुद्दीन, तहसील ब्यूरो आष्टा, विशेष संवाददाता शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। 23 सितंबर को आष्टा की धरती पे भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हल्ला बोल इसलिए ये रखा गया कि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, हम भी जागते रहे और जनता को भी जगाते रहे। कोरोना की महामारी से लाखों लोग मरे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नकारा से, उसके बाद महंगाई का दावा नल विकराल रूप पूरे देश में खाया जा रहा है। कई परिवार विखंडन की स्थिति में है, परिवार को पालना बड़ा मुश्किल है। डीजल, पेट्रोल, गैस, खाने का तेल, दाल, घर बनाने की सीमेंट, सरिया, क्या चीज महंगी नहीं। सिर्फ देश की जनता रास्ता देख रही है कि 2023 और 2024 के चुनाव की तारीख कब डिक्लेयर हो, ताकि ये भाषणवीर नरेंद्र मोदी जो देश बीच में लगा, शिवराज चौहान जिसे 2018 में नकार दिया जनता ने, उसके खेल हो गए।